IBPS की तरफ से सबसे बड़ा नोटिस आ रहा है, RRB रिक्वायरमेंट अर्थात रूरल रीजनल बैंक। ये ग्रुप ए स्केल 1, 2, 3 एंड ग्रुप बी ऑफिसर असिस्टेंट के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा कहाँ कहाँ वैकेंसी है इसका, ये आंध्र प्रदेश, ये लगभग सारे स्टेट में इसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो है, नेशनलशिप, इसका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान के, तिब्बत रिफ्यूजी, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका एज क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 1/6/2021 जुलाई के हिसाब से स्केल 3 सीनियर मैनेजर वाले के अबव 21 to below 40 ईयर्स, और ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए अबव 21 below 32 ईयर्स। कुछ रिलैक्सेशन है SC ST और OBC के लिए, ये है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रिलैक्सेशन, 3-4 रिलैक्सेशन है। अब इसके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये हमारे लिए नहीं है। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट कौन सी में होना चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एट्सेट्रा। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंक ऑफिसर मैनेजर, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, ये हमारे लिए नहीं है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, ये सेम डिग्री चाहिए। और इसके एप्लीकेशन फी कितना है, इसके एप्लीकेशन फी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए है, SC ST वालों के लिए 175 और अदर्स के लिए और जनरल के लिए है 850 और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी एक ही है, ठीक है। और इसका पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये मल्टीपर्पज़ के लिए है 80 marks। स्केल 2 के लिए भी सेम है, प्रीलिम्स के लिए है, ये प्रीलिम के लिए है। मेन के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी 200 marks के लिए है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी सेम है। कैसे अप्लाई करना है ये पूरा यहाँ पे लिखा है, हाउ टू अप्लाई। इस वीडियो का इसके जो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, यहाँ पे आप कर लेंगे क्या क्या लगेगा। और डेट्स, टेंटेटिव डेट्स है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। रजिस्ट्रेशन है 8/6/2021 से 28/6/2021। पेमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन उस डेट में है, पेमेंट उस डेट में ही करना पड़ेगा। डाउनलोड कॉल लेटर्स और प्री एग्जाम ट्रेनिंग 9/7/2021। प्री ट्रेनिंग होगा इसका 19/7/2021। डाउनलोड कॉल लेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी के लिए जुलाई अगस्त में होगा, टेंटेटिव ये चेंज हो सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त 21 2021, रिजल्ट होगा सितंबर, टेंटेटिव ये सारे टेंटेटिव है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर सारे है यहाँ पे जो है, ये सारे टेंटेटिव है। और इसका वैकेंसी कितना है, कहाँ पे कितना है, ये इस PDF के लिंक में दे दूंगा, वहीं पे रहेगा, ये देख लेना आप आपके स्टेट के अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। और एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट वाइज आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ पे स्टेट है वही स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। प्री के लिए अलग है, मेन के लिए अलग है। बस इतना ही आज का एग्रीकल्चर का जॉब नोटिफिकेशन यही था, आज के तारीख में निकल कर आया है ये, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।